हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सुबह आप सोच रहे होंगे कहाँ जा रहा है, ये तो आज हम जाने के बाद ही पता चलेगा भाई, ये तो सीक्रेट है। भाई भैया बुलेट स्टार्ट करते हैं, भैया बुलेट स्टार्ट कर, हम चल देते हैं अपनी मंजिल, मतलब घूमी करने। ऐसे ही साथ हम अपने कुत्ते सी शकल, मतलब मैं दिखाता हूँ। फिर कुछ समय बाद और कुछ दूरी तय करने के बाद अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए हमें एक बरसात का मौसम की झलक मिलती है, यानी बरसात मिलती है और साथ में ब्लेरो मैडम बैड ब्लेरो। कुछ दूर के हम थक जाते हैं और भूख भी लगने लगती है, तो फिर हम लोग कुछ दूरी तय करने के बाद एक ठेले के पास रुकते हैं, जहां भैया कुछ अपने लिए पेटीज और समोसे खाते हैं और वहीं पर मैं पपड़ी और समोसे खा के अपने पेट की पूजा करता हूं। उसके बाद कुछ दूर चय करने, फिर कुछ दूर चलते ही हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम एक सब्जी वाले के पास भटकते हुए पहुंचते हैं। वहां उनसे रास्ता पूछते हैं, उनके पूछ बताने के बाद अपनी मंजिल की ओर चलते हैं। फिर कुछ दूर पहुंचकर एक बच्चे से पूछते हैं और बच्चे से पूछते ही आगे आप सुनो क्या किया खास। फिर यहीं पर पुरानी कहानी का मत कहानी, फिर बरसात, वहीं हम भींग जाते हैं थोड़ा, फिर भी हमारी मंजिल की ओर बढ़ने की चाहत नहीं रुकती है, धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। फाइनली हम अपनी मंजिल की ओर पहुंच गए। पर पहुंचने से पहले इन दो लोगों ने हमें रोक लिया। यहाँ पे उन लोगों ने हमसे कुछ राशि मांगी यहाँ के विकास और गरीब बच्चों के लिए, तो हमने बड़े उत्सुकता के साथ उन्हें 100 रुपए दे दिए। ये भीमकुंड का मेन द्वार है जहाँ से हम जा रहे हैं। खड़ा हूँ यानी जूते रखते हैं, और भैया यहाँ पे अपने जूते नहीं रखते, मैं रखता हूँ। यहीं पे सभी लोग उतार रहे हैं पर भैया। फिर हम लोग अंदर जाते हैं। ये लोग जो मूर्तियां दिख रही हैं यहाँ के गुरुजी हैं, और ये आगे अपने बाबा यानी महादेव जी बैठे हुए हैं। फिर हम लोग भैया अंदर भीमकुंड के अंदर जाने के लिए उत्सुकता के साथ जाते हैं। पर मुझे बाहर से लग रहा था कि नॉर्मल होगा, पर अंदर जाके तो आंखें फटी की फटी रहे। अंदर की बॉयज तुम लोग सुनो, इतनी सेटिस्फाइंग। फिर हम लोग यहाँ कुंड के पास गए, ये तो पूल सा लग रहा था और हिस्ट्रिकल व्यू भी मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी होटल के स्विमिंग पूल में आ गए। फिर वहाँ पहुँच कर मिला कुछ गजब, यही प्राचीन मूर्तियाँ जो पांडव ने स्थापित की थी वो मिली। रमन लोगों ने वहाँ नहाया। बाहर के मंदिर पर जाते हैं, माथा टेकते हैं, अपनी मन्नते मांगते हैं। गुरुजी बोल रहे थे यहाँ जो माथा टेकता है उसकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, तो हम लोगों ने भी वहाँ पे माथा टेका। जो उनके गुरुजी सबसे ऊंची मंदिर पर बैठे हुए हैं, जहाँ वहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ, यानी 5100 सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग चढ़ते हैं 5100 सीढ़ियाँ। देखो हम लोग 5100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद का व्यू इतना सेटिस्फाइंग, इतना बड़ी और इतना कतई जहर था, कहने की तो बात, बहुत कतई जहर व्यू मिला वहाँ चढ़ने के बाद। गया सूट नहीं कर पाया। फिर कुछ दूर चलते ही हम एक बड़ा एक्सीडेंट मिलता है जो कि आलू के ट्रक का, वो ट्रक का एक्सीडेंट, जेसीबी की खुदाई, ये सब हम लोग भारत में सुकून से देख, तो मैं भी भारत का नागरिक, मैंने भी सुकून से देखा। हमने बोले हायाबूसा बना दिया, सुनो आवाज।
उसके बाद हमने पपोरा जी को देखा केवल बाहर ही से, क्योंकि बहुत सुंदर था और बहुत देर भी हो गई थी, पूरा दिन निकल गया था, शाम हो रही थी, इस वजह से हम लोगों ने घर जाना तय किया, वरना अगर टाइम होता तो हम पपोरा जी भी घूम लेते हैं।